नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है न्यूज रूम पोस्ट में। मैं शिवा आपके साथ। अभी अभी एक ब्रेकिंग न्यूज आ रही है, आपको बता दें इंडिया और अफगानिस्तान के बीच जो सीरीज वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के बाद 23 जून से 30 जून के बीच होने वाली थी, अब वह पोस्टपोन हो चुकी है। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड और अफगानिस्तान बोर्ड ने आपस में मिलकर इस बात का फैसला किया कि अभी के लिए इस सीरीज को पोस्टपोन कर दिया गया है। इस सीरीज के पोस्टपोन हो जाने के बाद भारतीय क्रिकेटर्स को एक मच नीडेड ब्रेक मिल जाएगा। भारतीय टीम के खिलाड़ी जो 2 महीने से लगातार आईपीएल खेलकर इंग्लैंड में डब्ल्यूटीसी का फाइनल की तैयारी कर रहे हैं, उनको अब आराम मिल जाएगा। अब भारतीय टीम डब्ल्यूटीसी के फाइनल के बाद जो कि 7 जून से 12 जून के बीच होने वाली है, इसके बाद अब वो सीधा 12 जुलाई से वेस्ट इंडीज के खिलाफ सीरीज खेलने वाली है। वेस्ट इंडीज के खिलाफ होने वाली सीरीज का बीसीसीआई ने अभी तक कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट तो नहीं किया है, पर उम्मीद की जा रही है इसका ऑफिशियल अनाउंसमेंट जल्द किया जाएगा। आपको बता दें बोर्ड ने अभी तक यह नहीं बताया कि यह सीरीज अब कब होगी। भारतीय टीम का टाइट स्केड्यूल देखते हुए उम्मीद की जा रही है कि अफगानिस्तान के खिलाफ होने वाली सीरीज ये एशिया कप से पहले के विंडो में बीसीसीआई करवाएगी। अगर आपको हमारी स्पोर्ट्स की कवरेज पसंद आ रही है तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।